हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं कुछ एग्जामिनेशन टिप्स दे रहा हूँ। जो बच्चे अभी एग्जाम्स देने जा रहे हैं 2023, आपके फेब 23 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कितनी तारीख से? 24 तारीख से। ठीक है बच्चों, तो 24 तारीख को आप सभी बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम रहेगा। क्लास 12th के बच्चे भी के लिए भी वीडियो रेलिवेंट है, 10th के लिए भी, और सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में एग्जाम देने जाते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। कोई फालतू टेंशन आपको नहीं लेनी है। कौन कौन सी चीजें आपको एग्जाम में कैरी करनी है, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ जल्दी से। और आज ही जाकर क्या करना, जो आपका एग्जामिनेशन वाला बैग है उसको बिल्कुल प्रिपेयर करके साइड में रख देना। सबसे पहले आप लोगों को जो आपका रोल नंबर है, वो आप रोल नंबर जो है आप लोगों ने करा लिया, मिल गया होगा, आप उसकी लेमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हो। साथ में कलर कॉपी करा कर भी आप रख सकते हो, एक आधी फोटो स्टेट भी रखना रोल नंबर। सेकंड क्या होता है, कार्डबोर्ड। कुछ बच्चे सोचते हैं यार कार्डबोर्ड क्यों लेके जाना, यार हम तो बड़े बच्चे हो गए हैं, अजीब सा लगेगा यार, थोड़ा मतलब पर्सनैलिटी नहीं बनेगी, ये तो छोटे बच्चे लेकर जाते हैं। इस तरीके की मेंटेलिटी आपको नहीं रखनी है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कार्डबोर्ड ले जाने का। कई बार हमें जो बेंच मिलते हैं वो बेंच इतने बढ़िया नहीं होते हैं, वो जो बेंचेस रहते हैं टेढ़े मेढ़े हैं, छोटे हैं, कई बार हम कंफर्टेबली नहीं लिख पाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही क्या करें, प्रिपेयर होकर चले। समझ आया? अभी जो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो उसकी रिगार्डिंग भी मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। तो ये दो चीजें तो आप लोगों को साथ के साथ अपना हो। ज्योमेट्री बॉक्स, आप लोग अगर ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करोगे तो सबसे बढ़िया, उसमें जो जो चीजें आपकी चाहिए वो आप पहले से रख लेना। पेन, पेंसिल जो भी है आप लोगों का, इरेजर और आपका कंपास वगैरह, ठीक है ना, सब कुछ आप रख लेना। क्योंकि कहीं पर भी हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जिस भी पेन से आप पेपर करते हो या जिस भी पेन से अभी तक आप लोग ज्यादा हाथ बना हुआ है, आपको जो पेन कंफर्टेबल लगता है वही वाला पेन आप रखना। और उसके दो तीन रिफिल ले सकते हो, या उसी के आप दो तीन क्या कर सकते हो, वेराइटी ले सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में पेन चेंज कर रहे हैं कि पेन से हमारा पेपर अच्छा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पेन आपको कंफर्टेबल लगता है वही वाला पेन आप रखें। पेंसिल्स वगैरह आप सभी बच्चे रखेंगे, इरेजर, स्केल वगैरह, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को पर्सनली एडवाइस करूंगा, आप लोगों को अपनी वाटर बॉटल जरूर रखनी चाहिए। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा, जाने को आप पानी पीने जा सकते हो, शायद क्या पता पानी अवेलेबल भी कराए सीबीएसई वाले, वो जो डिस्पोजल वाला वाटर रहता है, बट हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इवन मैं खुद एग्जाम देने जाता हूँ मैं अपनी वाटर बॉटल कैरी करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो ग्लास आता है ना डिस्पोजल वाला, पता नहीं तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे नहीं, हमें तो प्रोवाइड कराते हैं, उसमें क्या करते हैं उसको खोलना पड़ता है। आप देखोगे खोलने में जान लगती है, कई बार खुलता ही नहीं है वो, थोड़ी उसकी सेटिंग ऐसे बनी है, कई बार थोड़ा हमने ज्यादा फोर्स कर दिया, पता लग रहा है वो सीट पे गिर गया। बात आ रही समझ? हमें पेपर में एक एक मिनट को बचाना है। हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है, रेदर देन कि हमें एग्जाम में किसी को इम्प्रेस करना है या किसी को कुछ करना है। तो मेरे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात ये है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वाटर बॉटल अपनी कैरी कर। इसके साथ अगर आप चाहो, आपको लगता है कि यार मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल वगैरह डाउन हो सकता है, या मैं थोड़ा भी है कि मुझे वो चाहिए, आप इसके अंदर ग्लूकोन डी वगैरह मिलाकर क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा भाई, वो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करेगा। समझ आया नहीं है? क्योंकि भाई हमें 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है, पूरा साल हमारा जैसा भी गया उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि भाई मैं इस 3 घंटे को कैसे अपना प्रॉपरली यूटिलाइज, कैसे मैं अपना 100% देकर जा रहा हूँ। समझ आया नहीं है बच्चों? जब भी आपको लगे कि एग्जाम में थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरी बात मानना, थोड़ा माइंड को शांत करना और क्या करना, पानी पीना। पानी बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीज, इस टाइम बाहर के जंक फूड्स आप अवॉइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी, खाना पीना, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें क्या कर लीजिए, ले लीजिए। ये थोड़ा आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। समझ आया सही बच्चों को? उसके अलावा जो मैं अपने बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, काफी सारे बच्चों को हो सकता है इस पर हंसी आए या वैसा कुछ है, बट ये मैं एक पर्सनली सजेशन देता हूँ सभी बच्चों को कि एक्सटर्नल सिचुएशंस आर नॉट इन अवर हैंड, हमारे हाथ में नहीं है एक्सटर्नल सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों आपको एक कॉटन भी अपने पास रखनी चाहिए। कॉटन किस लिए? देखो जैसे हमारे पास ईयरबड्स रहते हैं तो वो हमें कितनी हेल्प करते हैं बाहर की नॉइज को बचाने के लिए,
ठीक है ना। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाहर कोई पत्थर पत्थर का काम हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, कटिंग चल रही है, कितनी तेज तेज आवाज आ रही है, तो आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी मैं बच्चों का कॉलेज में एग्जाम टेस्ट कंडक्ट करा रहा था, इंटरनल टेस्ट हो रहा था, वहां पर क्या हुआ भाई, पता चला हमारे कॉलेज को A+ मिला है, NACC वालों ने कुछ रेटिंग दी है, और कॉलेज का एक फंक्शन था कि वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेटिंग मिल गई हमें, ग्रेड अच्छी मिली है, तो ढोल बज रहे हैं। बताओ एक बार बताइए, हमारे बच्चे इंटरनल एग्जाम कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, वहां ढोल बज रहा है, बताओ बच्चों का मन ही नहीं कर एग्जाम देने का। तो एक्सटर्नल सिचुएशंस नॉट आर नॉट इन अवर है, हमारे हाथ में नहीं है वो, ध्यान रखना। अब ये आवाज को मैं जाके थोड़ी, आपका स्कूल भी तो ऐसी आसपास में कहीं किसी लोकेलिटी में सिचुएटेड है, मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी की बारात जा रही है, तो कोई नहीं जा रहा कि जाओ भाई इसको रोको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे में हमें क्या करना है जी, बाहर का माहौल खराब हो रहा है, कान में लगाए रुई थोड़ी बहुत क्या हो जाए, हमारी हमारे तक आवाज ना जाए। आप बेटा वाला गेट बंद करिए, बाहर वाला कुंडी मत लगाना, बात समझ आई आप लोग को, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आप आपके लिए वो 3 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, समझ में आ रही बात ये नहीं है। इन 3 घंटे के लिए तो आप लोगों ने क्या करी है, पूरे साल जितना भी आपसे बेस्ट हो सकता था उतना आप लोगों ने किया है, समझ आएगा नहीं आएगा। सेकंड, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हो सकता है एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिले, हो सकता है एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिले कि वहां पर चीटिंग चल रही हो, नकल चल रही होगी, तो ऐसे में मेरे दोस्तों आप लोगों को देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो कि भाई मैं तो पढ़ के गया हूँ, मुझे तो अच्छी मेहनत करके आया, मुझे चीटिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आपको उन सबको इग्नोर करना है। यस, आपका माइंड वहां भागेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका माइंड भागेगा, किस तरह भागो यार, आपको ऐसा लगे गलत हो रहा है यार, उन्होंने तो चीटिंग करके उसके अच्छे नंबर आए। अरे तुम्हें वहां समाज सेवा नहीं करनी, तुम्हें अपने से मतलब रखना है, तुम्हें बस अपने आप को ये देखना है, ये लोग खाली शॉर्ट टर्म में अच्छा कर पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये लाइफ में कुछ नहीं। आज चीटिंग चल गई, हर जगह थोड़ी चीटिंग चलेगी, आपको उनसे मतलब नहीं रखना है। वहीं अगर आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जो प्रिपेयर नहीं करके गया है, जिसे कुछ नहीं आता, जो खुद चीटिंग के भरोसे, अगर ऐसा माहौल मिलता है तो फिर बिल्कुल चीटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई या नहीं आ गई। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्लीज चीटिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि चीटिंग के साथ कभी भी बच्चों पेपर नहीं हो सकता है, मैं आपको लिख कर ये बात दे सकता हूँ, समझ आ गया नहीं आ गया। मैं आपको अकाउंट्स की बुक दे दूंगा, आप नोट्स दे दूंगा, आप एक पेपर करके देख लेना, आप 3 घंटे में नकल मार के पेपर नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। सेवंथ, जब आप एग्जाम कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपको आपको 10:15 बजे वहां पहुंचना होगा, शायद आपकी नॉलेज में हो तो 10:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, 10:15 बजे आपको पेपर मिलेगा, आपको 15 मिनट्स किस चीज के मिलते हैं, मतलब 10 बजे तो रिपोर्टिंग टाइम है, वो सब सेटअप वेटअप करने में 15 मिनट्स किस चीज के मिलेंगे, रीडिंग के मिलेंगे, उस टाइम को ऐसे मत वेस्ट करना। कुछ कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ा एक ही क्वेश्चन करने लग गए, अरे नहीं भैया ऐसे ऐसे ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, एक क्वेश्चन हो गया, अल्टीमेट शीट तो मिलेगी नहीं, तो शीट में तो कर नहीं पाओगे, उस पीरियड को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है, इन 15 मिनट्स को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है। इधर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपको ये देखना, अच्छा ये आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा परेशान कर सकता है या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा, उस पर आप ऐसे एरो का निशान लगा देना, एंड लिख देना, क्या लिख देना, एंड लिख देना, या फिर लास्ट लिख देना, कुछ ना कुछ जरूर ये सब कर। और बेटा पेपर देख के जो आपको आता है वहां से खुश नहीं होना है, कुछ बच्चे पेपर और ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, ये लेंगे भाई, सब खुश हो जाएंगे और निशान लगा देंगे। निशान लगाना सबसे गंदी स्ट्रेटेजी है, निशान नहीं लगाना है, निशान आप उसी पेपर पे राइट का निशान लगाओ, उसी क्वेश्चन पे जो आपकी आंसर शीट में उतर गया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सीधा क्या करोगे, आंसर शीट में आ गया निशान लगा दो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कोशिश करना है, ट्राई कोशिश करना है कि मेरा पेपर सीरियल वाइज हो जाए तो इट्स बेटर, लेकिन अगर आपसे सीरियल वाइज नहीं हो रहा है तो ज्यादा मत करना। लेकिन जैसे पार्ट बी है, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये वाली बात हो गई, अगर पार्ट बी है तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ करने हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कर देना, पेजेस छोड़ देना, क्या कर देना, पेजेस छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, फिर पार्ट ए का, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ई, ऐसे चला रहे हो, वहां वहां टीचर ही तुम्हारा कंफ्यूज हो गया, कभी पार्ट बी पे जा रहा है कभी पार्ट, तो ये सबसे गंदी स्ट्रेटेजी रहती है।
टीचर को जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, आपको उसे ऐसा करना है कि वो बस पेपर चेक करे, खुश होता रहे और नंबर पे नंबर देता चला जाए। समझ में आगे नहीं आएगा आपको, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो, उसको ना पता चले कि हम अपनी लाइफ में क्या है, कंफ्यूज है। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो ये कुछ टिप्स है। उसके अलावा पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, सभी बच्चे एक बार देख लीजिए। मुझे नहीं पता मैंने पहले आपको ये प्रेजेंटेशन सिखाई है नहीं सिखाई है। ज्यादातर बच्चे कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, मान लेते हैं ये आपकी आंसर शीट है, सभी बच्चे ध्यान से देखना, और ये आपकी आंसर शीट है। अब मान लेते हैं ये दो पेज मैंने बना दिए, तो ज्यादातर बच्चे या तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ लिख देंगे या फिर यहाँ लिख देंगे, जैसा भी है। इधर देखो सभी बच्चे, आप खुद देखिए आपकी लुक कैसी बन रही है। यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का आपने आंसर करा, ये आंसर लिखा है आप लोगों ने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री का आपने आंसर करा, कुछ बच्चे यहीं पर कर रहे हैं, और फिर ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करा, लिख दिया आप सभी बच्चों ने, और क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करा आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करा ऐसे। अब मान लेते हैं आपके सभी आंसर ठीक है, एग्जामिनर जब चेक करता है तो क्या होता है, मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है, वो चेक कर रहा है, ठीक है, यस राइट 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 वेरी गुड, ऐसे पेपर चेक हो रहा है। आपने ना उसको कहीं भी एग्जाम देने का स्पेस ही नहीं दिया, आपने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, तो ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर यहां नंबर देता है, एग्जामिनर आपको यहां नंबर देता है। और उस केस में क्या होता है, जब टोटलिंग होती है, जब क्या होती है टोटलिंग, अब टोटलिंग में क्या होता है, 1 2 3 4 5, समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों बताओ। कई बार क्या होता है कुछ रह जाता है, आपको पता चला यहाँ पे कुछ रह गया, नहीं पता चला, देखो 6 नंबर बन रहे हैं, ध्यान से देखो, तुम्हें भी नहीं पता चला, लेकिन मैंने कितने नंबर लिखे हैं, 5। तो ये वाला कोई भी बच्चा इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। मैं आपको बताया था आपको कैसा पैटर्न फॉलो करना है एग्जामिनेशन के लिए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, उससे आपका पेपर दुनिया से अलग दिखाई देगा और आपका एग्जामिनर खुश होगा, आपको अच्छे नंबर देगा। ये मान लेते हैं दो शीट हमने बना दिए एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन नंबर वन लिखोगे, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर आपको बीच में डालना है, देख लीजिए आप अपनी, कोई जरूरी नहीं है राइट लेफ्ट का मार्जिन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अकाउंट्स में तो बिल्कुल भी मत देना, आपका टाइम वेस्ट होता है राइट लेफ्ट का मार्जिन देने में, टाइम एक्स्ट्रा है तो आप दे सकते हो वरना छोड़ सकते हो। आप ऐसे करो ये पेपर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन करा, हर एक क्वेश्चन करने के बाद 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिए, कितनी लाइन छोड़ दीजिए, 4 से 5 लाइन, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर टू करोगे, अब आप देखना आपका जो पेपर है वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर थ्री करोगे, समझ में आ रही बात, फिर आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर फोर करोगे, फिर 4-5 लाइन छोड़ दी, क्वेश्चन नंबर फाइव करोगे, बोलो बेटे, फिर आप क्वेश्चन नंबर सिक्स करोगे, समझ। अब देखो कितना अच्छा लगा, एग्जामिनर क्या होगा, अब वो गंदे से पेपर करके परेशान हो चुका होगा, आपका पेपर एकदम से आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए जब वो चेक करेगा, आपने उसको स्पेस दिया है, और ये मैं नहीं बता रहा, आप सोच रहे मेरी गाइडलाइंस, नहीं, ये सीबीएसई के टीचर ने बताई जब हम पढ़ते थे बच्चों, और ये बताइए, अब आप वो नंबर यहाँ नहीं देगा, यहाँ तुमने उसको नंबर देने के पूरा स्पेस दिया है, खुश हो गए, एक्स्ट्रा नंबर भी तुम्हें दे सकता है, समझ में आई नहीं, हमेशा क्वेश्चंस वो सबसे पहले ऑप्ट। अब देखो कितना अच्छा लगा है, पेपर आपको ऐसे करना है, हमेशा वो क्वेश्चन सबसे पहले ऑप्ट करना है जो आपका बिल्कुल सही हो, सो दैट कि आपकी जो एक इमेज है वो टीचर के लिए क्या बने, अच्छी वाली इमेज बन जाए। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन मत ऑप्ट करना जिसमें आप लोगों को खुद को डाउट हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ आ गया, कुछ नहीं है कि पूछो तो। तो ये कुछ बातें ध्यान रखकर आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। उसके अलावा मैं बताऊं, आपको पेपर से एक दिन पहले प्रॉपर स्लिप लेनी है, रात देर तक नहीं पढ़ना है, प्रॉपर स्लीपिंग आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, कोई टेंशन नहीं है। सुबह अपना उठना, सुबह आप 6 बजे भी उठ जाते हो तो 6 बजे से 8 बजे तक जो भी आपको शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ भी रिवाइज वगैरह करना, रिवाइज करके नहा धो के आप क्या करना, अपना एग्जाम देने चले जाना। एक बार जो आपने बैग पहले से रेडी कर रखा उसको चेक कर लेना, क्या उसमें कार्डबोर्ड है, ज्योमेट्री बॉक्स है, सब कुछ है, कोई नकल वकल तो नहीं है, सब कुछ है, रेडी रखना। उसके अलावा आप मोबाइल लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे मुझे नहीं पता, आप लेके जा भी सकते हो बट बैग में रखना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा रिस्क रहता है चोरी वोरी हो जाए, बट स्टिल अपने घर वालों को पहले बताकर जाओगे कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। मोबाइल ले जा सकते हो, बैग में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है पहले ही चेक कर लेना, 2-3 बार चेक कर लेना, रोल नंबर ना रह जाए, पानी की बोतल ना रह जाए, कुछ भी चीज़ ना रह जाए, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ रह गई है तो आप अपने घर वालों से क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और इनकेस अगर घर वालों का नंबर, देखो हमें यहाँ पर प्रोविजन लेकर चलना पड़ेगा, इनकेस अगर घर वालों का नंबर नहीं लगता है
तो यू कैन अप्रोच मी, आप मुझे भी क्या कर सकते हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका फ़ोन उठा लूँगा और मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं कर दूंगा। आप अपने पेरेंट्स का नंबर मुझे भेज देना कि भाई मैं उन तक रीच कर सकूँ, मैं उन तक पहुँच सकूँ, ऐसा कुछ भी अगर लगता है कि ऐसी कोई कंटिजेंसी हो रही है, आप किसी जाम में फंस गए हो या फिर आप अपने सेंटर पे नहीं, अब तो रोल नंबर तो तुम्हारा पेपर तो किसी दूसरे स्कूल में होगा, अपने स्कूल में ही हो रहा है, हाँ तो सेंटर वगैरह देख लिया सब बच्चों ने, हाँ भाई ये भी जरूर रहना, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम देने जा रहे हो, बातें नहीं बच्चों, कुछ हमारे स्पिरिचुअलिटी कुछ बातें नहीं, थोड़ा भगवान का नाम ले सकते हो, बिल्कुल धूपबत्ती लगा के जा सकते हो, पेरेंट्स के जो है पैर छू के आप जरूर जाओ, क्योंकि पेरेंट्स आपको आशीर्वाद देंगे, पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, टीचर्स लोग होते हैं, बाकी और कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो आप लोग बिल्कुल जरूर उन लोगों से अपना ब्लेसिंग, पेपर नहीं आता डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड, बस सीधी सी बात, नहीं आता कोई बात नहीं, जितना आता है मैं उतना करूँगा, मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना, अपने आप को इन्फीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं देना है, वहाँ पर मुझे पता है इंट्रोस्पेक्शन करोगे, वहाँ पर मुझे पता है इन्फीरियरिटी वाली कौन सा, उनके साथ जिन्होंने नहीं पढ़ा, यार काश पढ़ लेता तो सही रहता, यार ये क्वेश्चन में आसान है, ये भी है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, बट स्टिल आपको उसको हटाकर ये सोचना है भाई मेरे से जितना मैं कर सकता था मैंने करा, मेरे से जितना हो सकता था मैं अभी भी करूँगा, ये लास्ट मोमेंट तक एक फाइटिंग वाला स्पिरिट रखना है। समझ आया नहीं है, नहीं हो रहा, पानी पी लिया, थोड़ा सा मेडिटेशन आँख बंद कर ली, लग गए, जो समझ में आए करते चलेगा, कोशिश करना, किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी से पूछना नहीं है, और लड़के भाई साहब लड़कियों के चक्कर में ना पड़े कि भाई साहब यार बताता हूँ थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तो बातचीत बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है, ध्यान रखना, कोई फालतू टेंशन नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के डेज में कोई भी लड़की आपको भैया नहीं बोलेगी, समझ में आगे आगे आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ भैया वाला सीन चल रहा है, एग्जाम डेज में वो भैया नहीं बोलेगी, तो आप समझ जाना बातें नहीं, इसके पीछे कोई राज है, ठीक है बेटा। बट स्टिल नहीं, कई बार हम यारी दोस्ती के चक्कर, लड़कियों को बताता हूँ यारी दोस्ती के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कोई आपका पेपर हो जाए बिल्कुल दिखाओ, बातें नहीं, आपका पेपर हो जाए बिल्कुल दिखाओ, लेकिन पहले खुद तो कर लो, या फिर अगर आपका पार्टनर सही है साथ साथ कर पा रहा है तो भाई कर ले, मैं स्पेशली अलग से मैं तेरे को नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि हमारे पास वही 3 घंटे हैं। समझ आ गया सभी बच्चों को? तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं जो आप सभी बच्चों को अपने एग्जामिनेशन में फॉलो करने चाहिए, एंड आपका पेपर अच्छे जाएंगे, पेपर छोड़कर मत आना, आपके एग्जाम भी अच्छे होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस रखना है, कोशिश करना है जो एग्जाम डेज में छुट्टियां हैं इस टाइम को आप प्रॉपरली क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। अगर आप घर पर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक ग्रुप बना लीजिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डालने की कोशिश करो, और थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न को देखकर तैयारी कीजिए। इधर देख लीजिए, मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, जैसे 12th वाले बच्चों का एग्जाम है 24 फरवरी 2023, आज तारीख है 18, बातें नहीं बच्चों, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है बच्चों, आपके पास 5 दिन है। अब आपको क्या करना है, कल से ही अपना इंग्लिश को अपना स्टार्ट कर लीजिए आप सारे बच्चे, और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कोचिंग्स में आप जा रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक आपको किसी भी कोचिंग में जाना है, 20 तारीख के बाद अगर ट्यूटर आपको बुला भी रहा है तो भी मत जाओ, जी मैं तो पढ़ूंगा अपनी इंग्लिश। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? किसी ट्यूटर से किसी टीचर से कोई मतलब तुम्हें नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उनके कोचिंग में जाकर अगर वहाँ माहौल मिल रहा है आप अपनी इंग्लिश की क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। समझ आया? आप लोगों को घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, इधर देख लीजिए सारे बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, 20 तारीख को यहाँ पर आ गए मॉर्निंग में, बैठे आप अपना इनपुट ले आइए, बुक ले आइए, आप जो जो बुक्स हैं, किसी बच्चे ने गाइड लिया तो गाइड ले आइए, किसी बच्चे के पास सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर, नहीं है तो लेटेस्ट 5 सैंपल पेपर CBSE ने रिलीज करे हैं वो पेपर आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास पैटर्न देख लीजिए। अब पैटर्न में क्या है, हो सकता है जब आप 3 जनों का ग्रुप पढ़ रहे हैं तो आप अपना क्या करो, टॉपिक डिवाइड कर लो कि भाई एक काम कर, अभी 2 घंटे में ये पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे ये, दो बातें नहीं, इंग्लिश का बता रहा हूँ मैं आपको क्या तरीका है, एक बच्चा 2 घंटे पूरा नोटिस पे लगा दो, जो भी आपका नोटिस है, एक को बोल भाई तू अपना क्या, वो क्या क्या आता आपका, ऐसे वगैरह तो नहीं आता, क्या आता है, रिपोर्ट आती, हाँ लेटर, एक लेटर आ गया और आर्टिकल, तो ऐसा करो भाई, बातें नहीं। अब ये जब 2 घंटे पूरे 10 सैंपल पेपर के सारे नोटिस कर लेगा, ये 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे लेटर कर लेगा, ये 2 घंटे के अंदर पूरा आर्टिकल कर लेगा, फिर क्या करो, अब भाई तू एक काम कर, तू मुझे नोटिस समझा सारा का सारा,
तो बैठ जाओ। तो ये क्या करेगा, पूरे नोटिस का अच्छे से जानकारी दे देगा, ये क्या करेगा पूरे लेटर के बारे में बता देगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो है एक बंदे ने एक चीज को परफेक्ट कर लिया और फिर दूसरे से क्या कर लाया, तो फिर आप सारे के सारे पांच पांच पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक पे तुमने जरूरत से ज्यादा टाइम देना, एक में मजा आने लग गया उसी को पढ़ते चले गए, ऐसा नहीं है। अब नोटिस प्रिपेयर होगा, एक पहले सैंपल अपने साथ रखो कि हमारे पेपर में क्या क्या आ रहा है। बातें नहीं, जैसे कि बच्चों ने बताया, मैं आपसे पूछ कर ले देता हूँ, नोटिस आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, लेटर आ रहा है, और क्या आ रहा है बच्चों, तो इनविटेशन आ रहा है, और बताइए और कुछ है। इसकी वेटेज कितनी है, स्पीच कितने, इसकी वेटेज कितनी है, कितनी वेटेज इसकी, कुछ वेटेज पता, 20 मार्क्स। और लिटरेचर आपकी, लिटरेचर बताना बेटा, लिटरेचर कितने नंबर की है, 40। और क्या बच गया आप लोगों का, अनसीन पैसेज, पांच पैसेज रिवाइज कर लेना, बस खत्म हो गई कहानी। बस पांच पैसेज देख के चले आना, उसमें कुछ सिनोनिमस है जो वर्ड्स रहते हैं उसमें फंस जाते हैं, इस पे ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि अनसीन पैसेज का मतलब ही अनसीन है, जो हमने नहीं देखा बस, लेकिन आइडिया लेकर जरूर चले आना, ठीक है बच्चों। और जरूरी नहीं है कि सबसे पहले अनसीन पैसेज करना होता है, जैसे जल्दी में मत पढ़ना, लेकिन हाँ 15 मिनट का टाइम में आप अनसीन पैसेज को अच्छे से डिवॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे आप लोगों का खत्म हो, कोई सा चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ रखा है, अब ऐसे लिटरेचर में तीन जने हैं, तो आप क्या करो यहाँ पर अपने चैप्टर डिवाइड कर लो। जैसे आपके 15 चैप्टर है तो बोलो भैया पांच चैप्टर मैं कर रहा हूँ, पांच चैप्टर तू। तो जिसने पांच चैप्टर, भाई तू अब एक काम कर, पांचों चैप्टर की वो बता दे, समरी बता दे। अब भाई तू एक काम कर, तू समरी बता तू। तो ऐसा क्या होगा तुम्हारे एक दो दिन में, पहले दो दिन में, यानी कि तारीख कितनी है, 20 और 21 में आप इस तरीके से वर्क को डिवाइड करके आप ऐसे काम कर सकते हो। ये थ्योरी सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छे से अप्लीकेबल चीज़ें हो जाती हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और 22 और 23 में सारे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करो, बैठ के पढ़ो, कोई से कोई दिक्कत आ रहा है। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा इस टाइम क्या करना है, आपको इस चेयर को चुंबक की तरह, भाई आप बैठ गए तो मुझे उठना नहीं है, अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो, भाई मैं उठूंगा नहीं, बस बात खत्म, पानी पीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, फिर बैठूंगा, कहीं नहीं, डाइवर्जन को सबको कहा, ना किसी यारी दोस्ती, ना कहीं घूमने जाना है, कुछ नहीं है, कहीं जा रहे हो थोड़ा बहुत छत पे टहले वो, क्योंकि बाहर निकलते हैं ये पेपर के दिनों में, ये हवा भी इतनी अच्छी लगती है, एनवायरमेंट भी इतना अच्छा लगता है, बाहर का माहौल भी इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बट इस टाइम आप लोगों को पूरा फोकस्ड होकर काम करना, समझ आ गया, नंबर अच्छे आ जाएंगे, चेकिंग बढ़िया होती है, बच्चों वाली चेकिंग होती है, मार्क्स सब बच्चों को मिलेंगे बढ़िया वाले, बस आप क्या करके आ जाना, पेपर करके आ जाना, समझ आ गया। और फिर भी इधर देख लीजिए, बोर्ड्स टू बोर्ड सिचुएशन, हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है यार, पहले तो 12th के नंबर की वैल्यू भी थी, जल्दी से सुन लीजिए, पहले तो वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू है मार्क्स की, अब तो क्या है, तुम्हें रेगुलर कॉलेज चाहिए तो सी वहां मेहनत कर लेंगे, लेकिन इस दिनों में, इन दिनों में आपको अपना 100%, इसलिए नहीं, अरे अभी मैं इन दिनों में भी नहीं पढ़ूंगा, ये वाला स्वैग नहीं दिखाना सर, क्या फायदा पढ़ के, हम मैं तो सीधा वहीं में, ये वाला फर्क ध्यान रखना। ओवर एंड सम हाउ हम लोगों ने देखा है, वो उन्हीं बच्चों का आज भी SRCC में एडमिशन हुआ है जो 97% वाले हैं, जो 98% वाले, 50% वाला एकदम से SRCC के लायक नहीं बन जाएगा। तो थोड़ा एंट्रेंस के बेस पर जरूर चीजें हो गई है, अब एकदम से तो आप 90% वाले नहीं बन जाओगे ना, तो इसीलिए अपना इस टाइम को यूटिलाइज करना, और बाकी एग्जामिनेशन वगैरह काफी आसान होगी, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ आया सब बच्चों को। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम रहे तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 9710169809 एंड अपना काम रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव मत सोचो, ये मत देखो कि मेरा ये चैप्टर है गया, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये छूट गया, ये सबसे गंदी आदत होती है आप लोगों की, आप लोग बड़े नेगेटिव, अरे यार ये रह गई सर, ये नहीं आता, तो ये देखो मैंने कितना कर रखा है, इस टाइम उसको देखने की आवश्यकता है, जो नहीं आता टाइम है उसको यस डिवोट कीजिए, अपनी एनर्जी लगाइए, बट पूरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। जैसे मैथ्स में तुम्हारा कोई एक चैप्टर छूट गया, मान लो इंटीग्रेशन छूट गया या रह गया, ये तुम्हारा LPP रह गया मान लो, अबे तो LPP को ये बोल के अपने आप को मत कोसिए, LPP नहीं आता, ये बोल के तुम एक नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर डाल रहे, ये तो देखो मुझे इतना कुछ आता है, समझ आया नहीं है, तो फालतू टेंशन लेनी नहीं है, पेपर ठीक ठाक जाएंगे, बढ़िया जाएंगे, पेपर करके आना और अपने टीचर के साथ रिजल्ट जरूर शेयर करना। काफ़ी सारे बच्चे ये वाला काम करते हैं, भाई हम तो रिजल्ट, अबे अच्छे आएंगे बुरे आएंगे तो क्या हो रहा है, हम भी नहीं बताते किसी को बेकार मार्क्स आ रहे हैं, तो
हम आपके प्रति कोई ऐसी इमेज नहीं क्रिएट करते कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आप हमारे लिए काम के बच्चे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ बस इतना जरूर रहता है जिनके अच्छे नंबर आए उनको हाईलाइट कर देते हैं, जिनके नहीं आए तो उनको हम उसको गाइड करते हैं। लेकिन हमें वो बच्चे सही में बुरे लगते हैं जो पूरे साल टीचर से पढ़ते हैं फिर रिजल्ट भी नहीं बताते, रिजल्ट पूछो तो कहते हैं। खैर वो तो आप लोग बता ही दोगे क्योंकि मैंने आपको एग्जाम डेज में आपको रोल नंबर देना ही है। मुझे समझ आया सब बच्चों को, और कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो सो दैट कि वो भी रिकॉर्ड हो जाए। अगर आप एग्जाम फियर है या किसी तरीके का डर लग रहा है कुछ भी ऐसा है तो। हाँ बोलो। ये पूछ रहा सर अगर पेपर नहीं आता हो फिर भी पेपर करना हो तो कैसे करें? हाँ ये इधर देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। पेपर नहीं आता हो और फिर भी अगर पेपर करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो नहीं थ्योरी वाले पेपर बातें नहीं, क्लास है तुम्हारी? हाँ जी आप जा सकते हो, बिल्कुल जाइए। हाँ जी मैडम को दे दीजिए आप, अगर कोई नहीं बैठ रहे हो मैं भिजवा देता हूँ। एक बात बताता हूँ मैं आप सभी बच्चों को, नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी आता हो वो करना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ रहे उसको लिख कर आना। गाने वाने लिखने से कुछ नहीं होता है, कहानियाँ लिखने से कुछ नहीं होता। ये मैंने इसकी पीडीएफ बना देना, लो ये पूरा इसके बाद के सारे पेजेस पीडीएफ बनेंगे। अरे बातें नहीं, जो भी आपने क्लास में सुना है, इकोनॉमिक्स में बिजनेस का टॉपिक कनेक्ट कर दो, बिजनेस में इको का कनेक्ट कर दो, इधर सुन लीजिए थ्योरी में तो ऐसे चलता है। तुम्हें कोई भी हिंट मिल रहा है इंग्लिश में, कुछ नहीं हिंट मिल रहा है, अनसीन पैसेज में चले जाओ, वहां से कुछ कनेक्टेड मिल रहा है, वहां से स्टोरी बना दी। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता है। इधर एग्जाम इधर देख लीजिए, एग्जामिनर ये सोचता है जब आप कुछ नहीं करके आओगे तो नंबर मिलेंगे नहीं, कुछ नहीं करके आओगे तो कहां से नंबर देगा। लेकिन आप कुछ भी लिख कर आओगे, एग्जामिनर भी इंसान ही होते हैं, वो हर किसी बच्चे को चाहते कि पास करो। अगर किसी के 34 नंबर आ रहे हैं तो ध्यान रखना उसके 34 नहीं थे, उसके 27 28 नंबर है, 29 नंबर है, एग्जामिनर उसको खींच खींच के लाया है। कहां तक लाया है? 34 तक। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप खाली छोड़ के आओगे, इधर सुन लीजिए, अगर आप खाली छोड़ कर आओगे तो एग्जामिनर आपको खींच खींच के नहीं ला सकता 34 तक। इसीलिए कोशिश करना है पहले जो आता उसको अच्छे से कर देना, जो नहीं आता उसको आपको ऑप्ट करना है। ठीक है बच्चों बताओ और कोई आपका क्वेश्चन? हाँ जी श्रेष्ठ कोई क्वेश्चन? सर बस आप मेरा नाम मत लिया करो क्लास में, यही मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरे दग दग हो जाती है जैसे आप मेरा नाम लेते। हाँ भाई हर्ष क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है? हाँ बेटे नो क्वेश्चन। अरे बात नहीं शर्मा हो चुप, कुछ पूछना चाहता बोलो। मैथ्स का थोड़ा बता दो। अच्छा मैथ्स में लो बेटा मैथ्स का बताया तुम। अरे मैथ्स में कितनी छुट्टियां हैं? 14। ठीक है बातें नहीं, तो सबसे पहले जो इजी चैप्टर है वो निपटा लेना, जैसे कि मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट्स होगा, जो जो तुम्हें आसान लगे, इन्वेस्टिगो अगर तुम्हें समझ में आता है तो। पहले जो जो आता है बातें नहीं, जो जो आता है उसको अच्छे से कर लेना, 14 दिन तो बहुत हो जाते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको अच्छे से नहीं आता है उस पर फालतू टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सबसे बेस्ट पैटर्न क्या रहता है मैं आप लोगों को बताऊं, आप एक अपना यूलाइक का ले लेना सैंपल पेपर, अगर या टुगेदर विद भी ले सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से कोई सा भी ले लो सबसे बेस्ट है ये। आप लोगों ने अपना मैट्रिसेस रिवाइज करा, सारे क्वेश्चंस मत करने लग जाना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं, 5-6 चैप्टर पे ही 14 दिन निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इस सिरदर्दी के चक्कर मत पड़ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़े और ये टारगेट बनाओ कि पहले 10 पेपर का मुझे सारे के सारे मैट्रिसेस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, खत्म। मैट्रिसेस के जो जो तुमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होंगे पहले से वो ट्राई कर लिया, कॉन्सेप्ट सारे गो थ्रू करते हुए चलना। अब कॉन्सेप्ट आपने पता नहीं लिख रखे हैं नहीं लिख रखे, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बुक नहीं होती है, कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं होती है, वो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पढ़ा क्वेश्चन ट्राई कर, लेकिन सारे मत कर जाना। मैथ्स में हमारे साथ सबसे बड़ी ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ये हम इस दुविधा में फंस जाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मैडम बच्चे आवाज कर रहे हैं, इनको बोलिए चुप बैठेंगे, छुट्टी कर दो इनके घर जाएंगे।
कुछ आसान भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुम्हें पता चल जाता पेपर में कौन आ रहे हैं। अब एडिशन सबट्रैक्शन थोड़ी आएगा मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आ जाएगा, इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न को एनालाइज करो। पहले आप 10 ईयर अगर आपके पास है तो 10 ईयर से देखो कि पिछले 10 सालों में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट पढ़े चलते चले गए। और सबसे बढ़िया मैट्रिसेस खत्म तो पहले क्या करा, 10 जुलाई के पेपर कर ले, तो उससे तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पर मुझे आता कितना है, 10 में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 5, उसमें कुछ मत करो। पहला पेपर 10, मैट्रिसेस डन, नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन दिया होगा साथ के साथ देखा, नहीं चलो नहीं आ रहा पेज मोड़ा, किसी दोस्त से पूछ लिया, नहीं तो आ समझ आया नहीं है, ऐसे फिर अगला चैप्टर। जो जो चैप्टर कनेक्टेड है उनको एक साथ निपटाना, जैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इन दोनों को एक साथ निपटाना। समझ आया नहीं है, इंटीग्रेशन अगर तुम्हें आती है समझ तो ठीक है, नहीं आती तो इसमें से जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज सही है उस पर, जैसे लिमिट है सम का क्वेश्चन आ जाता है मान लो, मिसलेनियस में से क्वेश्चन आ जाएगा, या पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह है, कुछ भी जो भी है मुझे नहीं पता, मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आप लोगों को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, वेक्टर कर रहे हो तो वेक्टर के साथ आप लोग 3D इसको साथ में निपटा लेना, वेक्टर आसान है, 3D में प्लेन का क्वेश्चन आ जाता है, प्लेन हट गया तो फिर तो 3D में कुछ बचा ही नहीं, वो तो वैसे ही काम आसान हो गया, तो फिर बचा ही गया तो वेक्टर 3D। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा बच्चों वाले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है, एक लास्ट में जो थी सब कट गया, बस खाली बेस थ्योरम तक है, तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाकर काम करनी है। इधर देख लीजिए, जब आप ये 10 सैंपल पेपर करोगे तो इसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 14 दिन की छुट्टियां हैं तो पहले एक हफ्ते में आपको ये सब निपटा लेना है डेली बेसिस का टारगेट बनाकर, और फिर अगले एक हफ्ते कुछ नहीं है, सैंपल पेपर। समझ आ गया नहीं आ रहा? देखो एक्चुअली अगर हमें कोई चैप्टर नहीं आता तो हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बातें नहीं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जो पेपर में आता है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो उसकी पहले क्वांटिटी देखो कि वो कितने चैप्टर हैं, वो चैप्टर किससे रिलेटेड है, फिर आप जाओ उसके यूट्यूब पर जाइए, अगर यूट्यूब पर किसी टीचर ने करा रखा उसकी वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट समझकर उसने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो आप अपने 2 से 3 दिन इस तरीके के चैप्टर्स के लिए अपना रख सकते हो। और इसको अगर इनिशियल डेज में ही रखोगे, पहले 7 दिनों के अंदर ही रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर रात के टाइम का आपने स्लॉट बना लिया कि भाई मैं रात को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो मेरा स्लॉट रहेगा उसमें मैं वही वाले चैप्टर्स की वीडियोज़ देखूंगी जो मुझे चैप्टर्स नहीं आते। आजकल आपके टाइम यूट्यूब, आपके पास यूट्यूब का अच्छा ऑप्शन है, उसमें ज़्यादा वो मत करना, जो उस टीचर ने करा रखा होगा उसी पे बिलीव कर लेना, ऐसा वीडियो देखना कि कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, और फिर उसके 4-5 सैंपल पेपर ट्राई करके वो कर लेना। या फिर अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है, आपको नहीं आ रहा अपने दोस्त से पूछ लो, कई बार दोस्त थोड़ा आसान तरीके से बता देता है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं फिर आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग पहले जो आता है उस पर फोकस करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम यार 14 दिन में 15 दिन में सारा सब कुछ क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, संजय क्लासेस पर आप आकर पढ़ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे पास मैथ्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स कोई सा भी सब्जेक्ट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर आइए, डिसिप्लिन में बैठ कर पढ़िए, अच्छे से पढ़ो, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको आप यूटिलाइज कीजिए अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस का बिल्कुल भी शिकार मत होना, वरना हैप्पी बर्थडे बन जाएगा पेपर में, नंबर ऐसे आएंगे बताओगे भी नहीं। पेपर में एक सीधी सी बात ध्यान रखना, जो भी चैप्टर छोड़ के जाओगे उसका क्वेश्चन ऑफ्ट भी नहीं होना, ध्यान रखना। ये हमारा माइंड बड़ी बेकार चीज़ है, माइंड खाली वही क्वेश्चन ऑफ्ट कर पाएगा जिसकी तुमने रिवीजन करी है। अगर तुमने गलती से रिटायरमेंट छोड़ दिया, डेथ छोड़ दिया, और रिटायरमेंट का क्वेश्चन पेपर में आ गया, तुम जितनी मर्जी जान लगा लेना, तुम्हारा माइंड कहेगा होएगा ही नहीं। तो इसलिए एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने से बेटर है एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, बट सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से हो जाए। समझ आ गया नहीं आ गया? जो कि मैं आप लोगों को आज ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अभी करा दूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया?
जवाब दो मेरे सब्जेक्ट की मुझे फालतू टेंशन नहीं है, बट हाँ यस आपको, और एग्जाम डेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहीं पे बिठा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जो यूथ है वो यही चाहता है, अपना खाना लेकर आना, मैं कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, वो मेरी अपनी मर्जी है, मेरी डिस्क्रिशन है, मेरी च्वाइस है, खाना लेकर आना और तुम्हें कुछ नहीं है। चैप्टर वाइज टारगेट दिया जाएगा, चैप्टर वाइज तुम सेल्फ स्टडी करोगे, तुम्हें एक तरीके से 5 दिन में कंट्रोल करके चलो, सो दैट कि आपके और सब्जेक्ट्स में आ रहे नहीं आ रहे, एटलीस्ट आपके अकाउंट्स में ठीक ठाक नंबर आ जाए। समझ आ गया या नहीं आ गया? नहीं आओगे तो फिर तुम्हारी अपनी मर्जी रहेगी। चलो जी फिर बच्चों, थैंक यू सो मच।